इस वीडियो में आज हम पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रेडशीट जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसमें हमारा डाटा स्टोर होता है रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में, और जिससे हमें जो शीट हासिल होती है उसे स्प्रेडशीट कहा जाता है। और इससे ये होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है, और उसका एनालिसिस करना या उसको ऑर्गेनाइज करना ये बहुत ही आसान होता है। तो ऐसे स्प्रेडशीट हमें प्रोवाइड करने के लिए मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इनका आज हम जिक्र करेंगे आज के इस वीडियो में। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आता है लोटस 123 के नाम से, इसी तरह एक आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस, जी न्यूमेरिक, गूगल शीट्स, इसके अलावा और एक बहुत लंबी लिस्ट है जो कि हमें स्प्रेडशीट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं इन तमाम को बारी बारी हम देखेंगे। नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो कि हमें जिसमें हम स्प्रेडशीट्स अपनी बना सकते हैं। लेकिन इसका इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमें स्प्रेडशीट बनाने की सहूलत फराहम करते हैं। तो हम बारी बारी इनको देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर जिसकी हमने बात की उसका नाम था लोटस 123। इसको हम समझते हैं कि ये क्या था। लोटस 123 दरअसल वो पहला स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम था जो कि लॉन्च हुआ IBM की तरफ से, और इसका मकसद यही था कि जितने भी बिजनेसेस ऑपरेशन हैं, जितने भी बिजनेस प्रोसेस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का जितना भी डाटा है उसे कंप्यूटर में स्टोर किया जा सके एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से। और उस वक्त जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा था इसको चलाने के लिए वो था DOS, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वजह से इसकी जो एक इंटरफेस था आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल इस तरह से एक इसका इंटरफेस आ रहा है जिसमें आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है। लेकिन इसके अंदर आप गौर करें कि यहाँ पे आपको रोज़ एंड कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट रोज़ एंड कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, और इनके अंदर हमारा डाटा जो है वो स्टोर किया जा चुका है, जिसके अंदर आप देखते हैं एक नेम का कॉलम है, एक डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम है, जॉब की टाइप क्या है, कितना ईयर एक्सपीरियंस है, सैलरी, बोनस, ये तमाम डिटेल इस स्प्रेडशीट के अंदर मौजूद है। उसके कुछ सालों बाद ही हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट ने जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया वो था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बहुत ही अहम हिस्सा है। इसके अंदर जो है हमारे रोज़ एंड कॉलम्स इस शक्ल में मौजूद होते हैं। ये हमने इस वक्त लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, और इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, एडवांस्ड फीचर्स हैं इसके अंदर फार्मूलाज का। इसके अलावा यहाँ पे आप मुख्तलिफ जो है वो फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, अपने स्प्रेडशीट को पेज लेआउट के ज़रिए डिज़ाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट जो कुछ आप यहाँ पर लिख रहे हैं उसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग के तमाम ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि डिफरेंट ऑफिसेज में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे हमारे डाटा शीट्स की शक्ल में स्टोर होता है। जैसे ये एक स्प्रेडशीट आपको नज़र आ रही है जो कि फैली हुई है रोज़ एंड कॉलम्स की शक्ल में। अगर आपने अगली शीट पे काम करना है तो फिर आप प्लस का यहाँ पे साइन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके अगली शीट पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है जो कि जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, और इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स की जो कि मौजूद हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं नेट पर, लेकिन हम उसके बारे में इतना जानते नहीं हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आता है ओपन ऑफिस CALC के नाम से। ये एक ऐसा ओपन ऑफिस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं। आप ओपन ऑफिस की साइट पे जाके ये विजिट कर सकते हैं उनकी सारी प्रोडक्ट। अब अगर आपको ओपन ऑफिस CLC ऑनलाइन यूज़ करना है, आप चाहें तो उसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम को, आपको अपने कंप्यूटर में इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आपने सिंपल लिखना है ओपन ऑफिस CALC ऑनलाइन। इसको भी हम सर्च करते हैं तो इसके अंदर जो पहला लिंक आ रहा है इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ये लिंक ओपन होगा तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके हम ओपन ऑफिस CALC को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक कोड देना पड़ेगा ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें। ये हमने इसको एक कोड दे दिया है, आप एंटर करेंगे तो थोड़ी ही देर में आपके सामने ऑनलाइन
एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा जिसको आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम ओपन हो चुका है, जहाँ पे वही तमाम ऑप्शन जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद होते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका डाटा रोज़ एंड कॉलम्स की शक्ल में सेव भी हो सकता है और आप उसे महफूज भी कर सकते हैं। अगर इन एनी केस आपने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो आप ओपन ऑफिस पे जाके उसका कोई भी प्रोग्राम ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम उसका ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक लिस्ट है स्प्रेडशीट प्रोग्राम की, वो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो एक लिस्ट आ जाएगी और आप अपनी मर्जी का कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे सर्च किया है 5 बेस्ट फ्री स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो यहाँ पे जैसे देखें यहाँ पे आ रहा है किंग सॉफ्ट स्प्रेडशीट, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वेबसाइट इनकी ओपन हो जाएगी और इनकी वेबसाइट पे जाके आप इनकी प्रोडक्ट जो है वो आप इंस्टॉल कर सकेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें ओपन ऑफिस का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे एक हमारे पास एक और स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जी न्यूमेरिक के नाम से, इसकी वेबसाइट पे जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके डिफरेंट वर्जन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये कुछ फेमस स्प्रेडशीट प्रोग्राम थे। अब इसके अंदर एक लास्ट जी न्यूमेरिक की हमने अभी बात कर ली कि आप इसे किस तरह से इसकी वेबसाइट विजिट करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बहुत ही अहम स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो कि फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स जो है इसके ऊपर कैसे काम किया जाता है, आपने सिंपल क्या करना है कि google.com पे जाना है और google.com पे जाने के बाद आप वहाँ पे सर्च करेंगे गूगल शीट्स, और जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी गूगल शीट्स की, और यहाँ पे आप देखें कि आपको मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल शीट्स का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ब्लैंक स्प्रेडशीट के ऊपर तो एक स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं जहाँ पे आप जाकर अपनी मर्जी का टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं और स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं ब्लैंक स्प्रेडशीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे गूगल की एक स्प्रेडशीट ओपन हो चुकी है। इसके अंदर वो सारे तमाम फीचर्स मौजूद हैं जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये भी इन एनी केस अगर आपने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो आप गूगल शीट पे जाके किसी भी स्प्रेडशीट के ऊपर काम करके अपना डाटा एक स्प्रेडशीट की शक्ल में स्टोर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स के बारे में जाना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अलावा भी हमारे पास काफ़ी ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें स्प्रेडशीट के लिए सहूलत फराहम करते हैं।